यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नारनौंद में आजादी के 70 साल के बाद भी पहली बार रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें नारनौंद के कांग्रेस नेता राजबीर संधु ने शिरकत की और संधु ने कहा कि ईद के मौके पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों और बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इस तरह के कार्यक्रम करने से आपस में भाईचारा बढ़ता है और प्रदेश में कैसा भी त्यौहार क्यों ना हो उसको भाईचारा और आपसी प्रेम से मनाना चाहिए। वहीं मुसलमान समाज के लोगों का कहना है कि 1947 के बाद नारनौंद इलाके में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी के नेता ने मुसलमान समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है, यानी कांग्रेस पार्टी के नेता ने पहली बार मुसलमान समाज के लोगों को इफ्तार पार्टी दी है। नारनौंद में 1947 के बाद पहली बार रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है संधु साहब ने, इसलिए यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय है उसमें एक बहुत बड़ा खुशी की लहर है कि भाई हम लोगों को भी बराबर सम्मान मिल रहा है, हम भी इस देश के ही वासी हैं, इसलिए लोगों में एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। पहले आज रोजा इफ्तार पार्टी का यहाँ आयोजन किया गया है और कांग्रेस पार्टी हमेशा ही 36 बिरादरी को साथ लेकर के सभी धर्मों को साथ लेकर के उसका सम्मान करने का काम करती है। इसी वजह से आपस में भाईचारे की भावना बढ़ती है, देश को एकता के सूत्र में पिरोए रखने का एकमात्र अगर साधन है तो सामाजिक जो ताना बाना है समाज का उसमें प्रत्येक धर्म के जो लोग हैं उनके जो त्यौहार हैं उनको सभी ने इकट्ठा मिलकर के मनाना चाहिए।